एक सर्वे के अकॉर्डिंग लास्ट डिकेड से अभी तक इंडिया में 69.1 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। इस बीमारी का मेन कारण क्या है? इस बीमारी का मेन कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन और कोई भी एक्सरसाइज ना करना। डायबिटीज में पैंक्रियास या तो इंसुलिन नहीं बनाता या फिर ठीक तरह से बॉडी उस इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पाती, जिसके कारण ये इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल में घुलने लगता है। बढ़ा हुआ इंसुलिन लार्ज ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करने पर हमारे हार्ट ब्रेन को अफेक्ट करता है, वहीं अगर ये छोटी ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है तो हमारी किडनी, लेग्स, हमारी नर्व्स अफेक्ट होती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को ही कंट्रोल किया जाए, जो करेला और जामुन में मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत हद तक कम कर सकते हैं। वैद्यनाथ का करेला जामुन जूस इंडिया के प्योरेस्ट और हाई क्वालिटी वाले करेला और जामुन से मिलकर बनाया गया है। इसमें मौजूद करेले में चैरेंटीन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे एल्कोलाइट मौजूद हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। साथ ही जामुन में भी ऐसे एल्कोलाइट हैं जो इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, बी, सी, फॉस्फोरस, फॉस्फेट, आयरन, कैल्शियम से भरपूर हैं। ये बीपी को कंट्रोल करने के साथ ही लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, एक्ने, सोरायसिस, एक्जिमा जैसी स्किन डिसीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये पूरी तरह से नेचुरल और सेफ है, क्योंकि इसे ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेथड से बनाया जाता है। ये साइंटिफिकली टेस्टेड है और GMP सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं डोजेस के बारे में। इस जूस के इस्तेमाल के लिए आप इस जूस को 15 से 30 ml दिन में दो बार इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ ले सकते हैं, या फिर आप अपने फिजिशियन की सलाह से इसे ले सकते हैं। वैद्यनाथ करेला जामुन जूस आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।